हेलो फ्रेंड्स डैनी क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों लेब असिस्टेंट सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं जब से लेब असिस्टेंट का सिलेबस आया है जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें अलग ही खोफ बना हुआ है इतना बड़ा इस सिलेबस आ गया कैसे क्लियर होगा और मैं आपको बताऊं जब से सिलेबस आया है कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं वो जो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं वो फॉर्म भी नहीं भरना चाहते कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा हमसे पास नहीं होगा सिलेबस देख के डर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम पास नहीं होगा तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो अभी भी आपके पास टाइम आप फॉर्म भर सकते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना किस तरह से आप पेपर निकाल सकते हो उसके बारे में बात करेंगे देखो जो डर गया वो ये मान लो मर गया उसका पेपर नहीं निकलने वाला है क्योंकि जो डर ही गया सिलेबस को देख के ही डर गया तो वो पेपर कैसे निकालेगा और जो इस जो मैं बता रहा हूँ उस पर डिटेल से चला गया उसको कर लिया 100% जॉब ले लेगा क्योंकि आप जैसे सोचते हो उतना बड़ा सिलेबस नहीं है और इतनी कोई मुश्किल जॉब भी नहीं है इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है कि आप नहीं लग सकते बस थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है जॉब आप लग जाओगे जो जो बताऊं उसको ध्यान से अच्छे से सुन के चलना लेब असिस्टेंट दो आपका निकल जाएगा टेंशन की कोई बात नहीं है अगर फॉर्म भी नहीं भरा है तो फॉर्म आपको भर देना है जितना जल्द उसके फॉर्म आपको भर देना है सिलेबस की हम बात करें अभी आपका नया सिलेबस आया उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले आपको मैं बताऊँ प्रश्नों की संख्या 100 अंक 200 समय दो घंटे आपके देर का है जिसमें आपके पेपर फर्स्ट है सामान्य ज्ञान देखो ये चीज़ें पहले भी थी अब भी हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है आपने जितना पहले पढ़ना था उसका थोड़ा ही एक्स्ट्रा पढ़ना है अगर आप नहीं भी पढ़ पाओ तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो आपका काम चल जाएगा जैसे सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान एक ये देर का है समसामयिक मामले दे रखे हैं अर्थात करंट अफेयर आपके देर का है अब ये सब आप कैसे करोगे सारा डिटेल में आपको भी बता के चलूंगा एक जो दे दिया विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान इससे लोग सबसे ज्यादा डरे हैं विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और एक शैक्षणिक मनोविज्ञान ये ये क्या चीज आ गई ये किस तरह से क्लियर होंगे इस चक्कर में फॉर्म ही नहीं लगा रहे हैं तो इनके बारे में भी मैं आपको बता के चलूंगा जो गलती कर गया जो गलती कर गया एग्जाम पास नहीं कर पाएगा और जो इन चीजों को समझ गया नौकरी ले लेगा साइंस वाला आपको पता है साइंस वही आपके फिजिक्स है बायोलॉजी है वही केमिस्ट्री आपको पता है साइंस आपको करना ही है अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से अच्छे से सुन के चलना काफी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफी आपके काम आने वाली हैं फॉर्म आपको लगा देना है प्रत्येक प्रश्न

क्या क्या आपको पढ़ना है किस तरह से कम समय में भी आप पढ़ सकते हो नौकरी लग सकते हो देखो जितनी और वैकेंसी है आसान वैकेंसी है कंपटीशन नहीं है इतना आप अपना 100 परसेंट दे दिए पेपर दे के आओगे मेरे को जरूर मैसेज करोगे कि सर मैं सेलेक्ट हो गया मेरा पेपर निकल जाएगा लेकिन जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन के चलना हुँ. देखो पेपर फर्स्ट आपके आ गया राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत काफी आसान है हल्का सा देख के जाना है निकल जाएगा राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक राजस्थान वाला कंप्लीट यहां पे देर का जैसे राजस्थान, तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां मुगल राजपूत संबंध स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं महत्वपूर्ण किले स्मारक संरचनाएं राजस्थान के धार्मिक आंदोलन लोक देवी देवता अब आपके जो भी का है देखो आपके सिलेबस क्या है क्या नहीं है कितना बड़ा है क्या देर का है क्या नहीं देर खा इस सब को छोड़ के आपको क्या करना है डेनिल क्लासेस की एप पर मैंने लेब असिस्टेंट का सिलेबस डाल रखा है वहाँ पे वीडियो क्लासेज हैं जो आपको मिलने वाली हैं वीडियो क्लासेज मिलेंगी अच्छे से उनको देख सकते हो और काफ़ी कम समय में भी, भी कवर कर सकते हो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है वैसे भी मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ काफ़ी कम समय में आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे काफ़ी कम समय में सिलेबस भी आपका कवर होगा टेस्ट भी आप वहाँ दे सकते हो लेब असिस्टेंट का जो आपका जीके वाला सिलेबस है उसका आप टेस्ट भी लगा सकते हो टेस्ट भी आपको वहाँ मिलेंगे तो टेस्ट भी आप वहाँ लगा सकते हो ये जितना भी आपका सिलेबस है ये जियोग्राफी वाला आगे आपके सिलेबस दे रखा है काफ़ी कम समय में कवर भी होगा एग्ज़ाम में आपको प्रश्न भी मिलेंगे और जब आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पंद्रह बीस दिन पहले जो आपके करंट अफेयर वाला पार्ट है कि करंट अफेयर हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करवा के चलूंगा और इतना ही करवाऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में काम निकल जाए आपके प्रश्न सही हो जाएं ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मैं आपको करवा दूंगा इतना ही लिमिटेड चीज़ें वो भी आपको इसी ऑफर में मिलेंगी इसी जो आपका कोर्स में दूंगा आपको इसी में मिलेंगे एग्जाम से पंद्रह बीस दिन पहले वो एड हो जाएंगे वो भी मिल जाएंगे राजस्थान जी के वाला पार्ट है वो आपका दी बेस्ट हो जाएगा अच्छे से आपका निकल जाएगा अब उसके बाद में हम बात करें विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ये नहीं कि इसको आप लेकर बैठ गए विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आपको करना क्या है जिसे हम वर्ल्ड के बारे में बात करें वर्ल्ड के बारे में हल्की फुल्की ज्योग्राफी पढ़नी है आप YouTube पे भी सर्च सर्च कर लोगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चंस या वर्ल्ड जी के क्वेश्चन सौ दो सौ क्वेश्चन देख लोगे एक दो बार रिवाइज कर लोगे रिपीट कर लोगे आपका काम हो जाएगा ज़्यादा डिटेल में इसमें आपको नहीं जाना है हल्का फुल्का नॉलेज आपको रखना है ये मान लो कि जब भी आप फ्री टाइम में रहो तब थोड़ा बहुत जैसे आपको YouTube खोल लिया यहाँ से प्रश्न देख लिए क्वेश्चन देख लिए बस इतना दिमाग लगाना है ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम डीप में चले जा रहे हो डीप में तो आपको वहीं जाना है करंट अफेयर डीप से पढ़ लो आप जितना मैं रहा कराऊँ उतना कर लो इंडिया जीके वाला पार्ट आप उसके छोड़ के राजस्थान जीके वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो राजस्थान जीके जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री है, है जो आपको ऐप पे मिलेगा काफ़ी कम समय में हो जाएगा उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो शैक्षणिक मनोविज्ञान ये जो शैक्षणिक मनोविज्ञान वाला पार्ट है ये भी आपको YouTube पे इसकी क्लासेज मिल जाएंगी जैसे तीन चार घंटे की क्लास देख ली आपने बेसिक चीज़ें देख ली है आपका काम हो जाएगा देखो इसमें कंपटीशन बहुत कम है कंपटीशन हाई नहीं है कंपटीशन बहुत कम है और मैं आपको बता रहा हूँ अधिकतर लोग तो ये गलती कर रहे हैं कि सिलेबस आने के बाद में फॉर्म ही नहीं फिल कर रहे हैं अब जो यहां पे अच्छे से खेल गया जो स्टडी अच्छे से कर गया ये वाला पार्ट है इसको अच्छे से लेकर बैठ गया पढ़ लिया सिलेक्ट हो जाएगा दो महीने का टाइम कम नहीं होता है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तो जीके पहले से भी पढ़ के आ रहे हो काफी मैं आपको जीके पढ़वा रहा हूं काफी करवा रहा हूं तो इतने समय में लेब असिस्टेंट तो निकल जाएगा 2800 ग्रेड पे की जॉब काफी अच्छी जॉब है ये जो एलडीसी है उससे ऊपर की जॉब है अच्छी जॉब आपकी निकल जाएगी तो ध्यान देना अभी से अगर लग गए अभी टाइम टेबल सेट कर दिया आठ दस घंटे आप लेकर बैठ गए ये नौकरी आप लग जाओगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा बस अच्छे से लेकर बैठना है जो चीजें हैं देखो एक चीज और ध्यान रखना करंट अफेयर है लेकर ही मत बैठ जाना करंट अफेयर है कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं करंट अफेयर लिए उसको ही लेकर बैठ गए आठ घंटे दस घंटे लेकर बैठे करंट अफेयर करंट अफेयर ये गलती मत करना सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है जीके राजस्थान जीके वाला पार्ट है ज्यादा टाइम देना है उसके बाद में आपको वर्ल्ड इंडिया का हल्का फुल्का देख लिया शैक्षणिक वाला पार्ट देख लिया करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा देख लिया सभी को वेटेज देना है सभी को टाइम देना है किसी एक चीज को लेकर नहीं बैठना है एक चीज को लेकर बैठने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है जो सिलेबस में दे रखा है थोड़ा थोड़ा सभी को कवर करके चलना है सबके साथ चलना है क्या पता कौन से पार्ट में क्या प्रश्न आए किस तरह का प्रश्न आए इसलिए सभी आपको लेकर चलना है ध्यान रखना है फिर आपके देर का कि विज्ञान का पेपर सेकंड की बात करें विज्ञान का सेकेंडरी ज्ञान जो आपके फिजिक्स की बात करें केमिस्ट्री की बात करें बायोलॉजी की बात करें जो पहले भी पार्ट था अभी भी आपके आने वाला है तो ये तो जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो बताने की बात नहीं है जो अच्छे से स्टडी करेंगे वो ये पार्ट निकाल लेंगे इसको कवर कर लेंगे साइंस वाला पार्ट आपको पता ही है ये सारी चीजें आपके साइंस वाले पार्ट में दे रखी हैं जो आपको कवर करनी ही करनी है और जो साइंस देखो जो साइंस वाले पार्ट में अच्छे से नंबर लेकर आ गया राजस्थान जी वाला पार्ट कर लिया करंट अफेयर पार्ट कर लिया यहीं से उसके सिलेक्शन के चांसेस पूरे बन जाएंगे ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है अच्छे से करनी है एक आपके भूगोल का देरखा है देखो देखो जिनके पास भूगोल है पहले से वो पढ़ते आ रहे हैं तो उनको तो ये हार्ड नहीं लगना चाहिए अगर आपने अच्छे से पहले स्टडी करी है आप इनका रिवीजन भी कर लोगे आप प्रयोगशाला सहायक ये सिलेबस निकाल लोगे देखो मैं यही कहूँगा आप डीप में मत चले जाना ऐसे मत करना इसका पेपर इतना लेवल का नहीं आता ऐसे ये गलती मत करना कि आप एक चीज़ को लेकर बैठ गए उसके अंदर घुसे जा रहे हो घुसे जा रहे हो उसी को निकाले जा रहे हो इतना डीप में आपको नहीं जाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है सारा ही कवर करना है यह आपको ध्यान रखना है और एक टाइम भी सेट करना है दो महीने का टाइम है एक दिन में मैं एक चीज़ को इतना ही समय दे सकता हूं उस हिसाब से आपको चलना है ये मत करना कि लेकर ही बैठे हो लेकर बैठ जाओगे उसमें आपकी दिक्कत हो जाएगी इसमें भी आपको राजस्थान वाला पार्ट जो कंप्लीट करना है ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट करना है राजस्थान जीके वाला पार्ट आपको पता ही है डेनर क्लासेज की एप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा भूगोल वाला वो सारा पार्ट जो आपने पहले पढ़ा है जब आपने ज्योग्राफी ली है तो आपका ये पार्ट कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ जरूर है बस आपको करना क्या है इसका रिवीजन करना है इसको ढंग से अच्छे से लेकर बैठना है आप जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं उससे कवर करोगे आपके ज्यादा फायदा होगा वहां ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अच्छे से ये ज्योग्राफी वाला पार्ट मिल जाएगा तो आप एन की बुक से कवर कर सकते हैं या मार्केट में अभी कोई ऑथेंटिक बुक भी इसके बारे में आ जाएगी जल्द आ जाएगी उससे आप कवर कर सकते हैं एनसीआर से कवर करना ज्यादा अच्छा रहता है वहां से आप कवर कर सकते हैं तो ले असिस्टेंट में मैं आपको बता रहा हूँ जो डर गया वो मर गया डरना नहीं है सिलेबस अच्छे से लेकर बैठना है सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है आपको दो महीने लेब असिस्टेंट में अच्छे से लगा दो नौकरी लग जाएगी अच्छी नौकरी है दी बेस्ट नौकरी है फॉर्म भर देना है अगर नहीं भरा तो अभी फॉर्म भर दो एक बार मेरे कहने पर सिलेबस को अच्छे से लेकर बैठो स्टडी करना शुरू कर दो जो पार्ट आपको लगता है यार ये तो मेरे से नहीं होने वाला है उसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस कर लो लेकिन करना है फॉर्म भरना है तैयारी करनी ही करनी है इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें लाइक करें अगर आप डेनि क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब सब्सक्राइब करो बेलाइकन भी प्रेस कर लेना इससे क्या होगा कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी इसी तरह की न्यू अपडेट में आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूं तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें धन्यवाद